हेलो बच्चों, आज मैं लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी के बाद जो भी वीडियोस जाएंगे, आज मैं कंटिन्यू करूँगा, जो भी वीडियोस जाएंगे उसको मैं व्हाट्सएप या आपके सोशल मीडिया के थ्रू शेयर नहीं करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लें, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज। ये नहीं कि अभी इस चैप्टर से कल उस चैप्टर से, इस तरह से नहीं, आपको रेगुलर मिलेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। दूसरी बात, जो बच्चे हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट हैं, है ना, वो कोशिश करें कि अपने मीडियम के वीडियोज़ ही देखें। मेरी क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, सेम चीज़ें बताई जाएगी, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं सोचना है कि हिंदी वाले को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, हिंदी वाले को ज़्यादा बता रहे हैं, इंग्लिश वाले को कम या इंग्लिश को ज़्यादा, हिंदी को कम, कुछ नहीं है। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, हिंदी वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट और इंग्लिश वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है लेक्चर नंबर 7, आदर्श और अनादर्श मीडियम। हेडिंग डाल दीजिएगा आदर्श और अनादर्श मीडियम। तो देखो बच्चों, पिछले क्लास मैंने आपने राउल्ट लॉ के बारे में पढ़ा, हेडिंग लिख लीजिएगा ठीक है। अब आदर्श किसको कहते हैं? अब मान लो कोई बच्चा है, वो आदर्श कब है और अनादर्श कब है। आदर्श कहने का मतलब आदर्श वो होता है, आइडल वो होता है जिसको सब फॉलो करना चाहते हैं, और नॉन आइडल कौन होता है? जिसको लोग फॉलो करना नहीं चाहते। इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे, मेरा लेक्चर 7 है ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? कहता है कि वह सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर करे, उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन किसको कहते हैं? कहता है कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे। तो इस चैप्टर में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आता जाए और टॉपिक भी समझ में आते हैं। जैसे मान लो कि ये स्टार्ट कहां से होता है वो देखिएगा। अगर मान लो हमने एक तरह का ये कंटेनर ले लिया आपके साथ, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने कंपोनेंट ए कंसीडर कर लिया, कंपोनेंट ए डाल दिया, फिर इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, सारे के सारे किसके होंगे? ए के। फिर दूसरा कंटेनर है जिसमें क्या होगा कि यहां पर बी डाला गया। अब कहने की बात तो है ना कि सर ए और बी किसके लिए लिख रहे हैं, और इसलिए आप लोग जान रहे होंगे कि ए लिख रहे हैं हम लोग विलायक के लिए। ए कण किसके हो रहा है? विलायक के लिए, ध्यान रखना बोलिए। और बी किसके लिए हो रहा है? विलेय के लिए। तो अब बताइए, जब मान लो कि ए का कण ए में ही, मतलब सारा एक ही तरह का कण होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सर ये सब जो होंगे वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। तो ए और के बीच में जो बल लगेगा, ए ए के बीच में लगने वाला फोर्स, तो ए और ए मिलकर जो एक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए ए अन्योन क्रिया। इसको इंटरेक्शंस कहते हैं। बी और बी से जब बनेगा तो ये क्या कहेंगे? बी बी अन्योन क्रिया। क्रिया का मतलब कम और अन्योन का मतलब इस दोनों के जो बीच में जो इंटरेक्शंस होने वाला है
उसके बीच में होगा। अगर मान लो अगर क्लास में सिर्फ बॉयज ही रहे तो झगड़ा होगा या दोस्ती होगा किसके किसके बीच, सिर्फ बॉयज के बीच में भी होगा। अगर बी और बी गर्ल्स ही रहेंगी तो गर्ल्स में झगड़ा किसके किसके बीच में, या तो गर्ल्स के बीच में होगा या दोस्ती भी होगी तो किसके बीच में, सिर्फ गर्ल्स के बीच में होगी। और यहीं पर जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो जब ये बनेगा तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। सपोज करिए कि यहां पर ये, सपोज करिए कि यहां पर ये आपका ए हो गया, बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, है ना। अब देखो अगर हम बात करेंगे यहां तो ए और बी इसमें तो विलेय और विलायक दोनों है, तो सर जब विलेय और विलायक दोनों होगा तभी ना विलयन का निर्माण होगा। अगर हम बात विलयन के निर्माण के लिए करेंगे तो यहां पर किसके किसके बीच में, ए और बी के पार्टिकल्स या बी और ए के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया होगी। अच्छा देखिए ऐसा है कि नहीं। अब मान लो कि अगर कहेगा कि सर इस तरह से फाउंड करने के लिए, सपोज करते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अगर कह दिया 10 ग्राम ए ले लिया, ठीक है, 10 ग्राम ए ले लिया और 5 ग्राम बी ले लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो 15 ग्राम हो गया। तो जो बिलियन बनना चाहिए वो भी क्या होगा, 15 ग्राम होगा। अगर एक लीटर है ये आधा लीटर है तो लगभग 1.5 लीटर हो गया दोनों मिला के, तो बिलियन भी कितना बनेगा आयतन के हिसाब से, 1.5 लीटर बन गया। अब अगर सर इसी में कह दे कि अगर ये ऐसा ना हो, ये चेंज करे, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे कंसीडर करेंगे कि सर अभी अगर मान लो कि ये ए बी जो है 150 ग्राम ना हो, सॉरी या फिर 150 लीटर ना हो, 1.5 लीटर ना हो, तब वहां पर वो क्या हो जाएगा, तब वहां पर वो चेंज करेगा, तब उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, ए ए बी बी और ए बी के बीच की अन्योन्य क्रिया। आज के लेक्चर में आपको ए बी और ए ए इस तरह की जो अन्योन क्रियाएं हैं इससे मैं कई टॉपिक कई पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, कॉपी भी हाथ में रखें ताकि इसको नोट भी करते रहें, ठीक है। अब देखो आप यहां अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आदर्श विलयन कैसा होगा और अनादर्श विलयन कैसा होगा, तो उसमें सीधे हम सर एक बात कहेंगे कि आदर्श विलयन, ठीक है, तो पहले आप ये इसको एक बार देख लो, फिर मैं इसका पॉइंट जो है अलग अलग करके समझाता हूं। अब देखिए आदर्श विलयन किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट इसका डेफिनेशन लिखोगे, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। डिफिनेशन से देख रहे हैं तो अनादर्श विलयन के लिए क्या लिखेंगे, छोटा लिख देते हैं, जो राउल्ट के नियम का, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे, ताप सांद्रता कुछ भी कर दो उसका राउल्ट के नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अब इस
पॉइंट को और तरीकों से भी डिस्कस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने रिगार्ड के नंबर पॉइंट करें या नहीं, ताप सांद्रता एंथैल्पी वर्ड सब जोड़ देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक डिफरेंस की तरह आपको बता दें ताकि आपको समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। अब देखो, अगर राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो सर पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए जीटा ए या जाय ए, तो पी वी क्या हो जाएगा सर? पी नॉट बी जाय बी। ये तो है, यही ना राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या करता है कि जो उसका प्रेशर होगा टोटल प्रेशर, वह प्योर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के, तो अगर हम बात करेंगे पी एस या पी टोटल या कुल, बात हो गया एस का मतलब सॉल्यूशन के लिए, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए जाय ए प्लस पी नॉट बी जाय बी। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब, अब हमने पिछले टॉपिक में बात किया था ए ए ए बी और बी बी अन्योन क्रिया, अगर ए बी अन्योन क्रिया बी बी अननोन क्रिया ए बी अननोन क्रिया के बराबर होगा तो वह राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा, अगर ये अननोन क्रियाएं अलग अलग होगी तो वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अब यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि सर क्या होगा अनादर्श विलयन तब क्या होगा, तो जब हम इसके लिए अनादर्श विलयन की बात करेंगे तो सर हम ये लिखेंगे, आप डिफरेंस टाइप से पढ़ते जाएंगे कि यह जो है पी एस, पी कुल दे दो या पी एस दे दो, तो हम एस का यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा उसकी अगर बात करेंगे तो वह पी नॉट ए जाय ए प्लस पी नॉट बी जाय बी के बराबर नहीं होगा, तभी ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा। अगर बराबर होगा तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अब सर इसमें ऐसा क्या होता है कि ये बराबर नहीं होता है? हमने पीछे एक डायग्राम से बताया था कि ए बी ए ए और बी बी अन्योन क्रिया, अगर अगर ए ए अन्योन क्रिया बी बी अन्योन क्रिया है ना, और ए बी अन्योन क्रिया, यदि ए बी अन्योन क्रिया दुर्बल होगी तो ए जब विलयन जब बन जाएगा तो ए और बी के बीच में जो अन्योन क्रिया होगी, या फिर बोल सकते हैं एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं हम, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कमजोर होगा, तो अगर अट्रैक्शन कमजोर होगा, बॉन्डिंग कमजोर होगी, तो वो आसानी से वेपर में चेंज हो जाएगा, पर आसानी से वेपर में चेंज हो जाएगा तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सर, तो यहाँ पर दो चीजें होती है, कम होगा तो क्या होगा, कम होगा तो दो चीज, हालांकि हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं डेल्टा भी इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा मिक्सिंग भी इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा मिक्सिंग भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन हम थोड़ा सा आपको डीप में इसी में आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन भी पढ़ा देते हैं, और फिर इस दोनों के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको जो है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है, अगर कोई चीज कहा गया कि हम तुमसे बड़े या हमारा और तुम्हारा मेल नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब क्या होगा कि हम तुम्हारे बराबर नहीं रहा, तुम्हारे ऊपर होंगे या तुमसे क्या होंगे नीचे होंगे, तो उस कंडीशन में अगर इसको कहेंगे तो पी एस जो हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर उस पूरे सॉल्यूशन जो ए बी मिल के बना रहे, तो वहां पर क्या हो जाएगा पी एस जब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन पी नॉट ए जाय ए, कैपिटल यूज करो या स्मॉल यूज करते आए थे तो स्मॉल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने हिसाब से कंसिडर करो। और यहां पर पी एस जो हो जाएगा वो लेस देन पी नॉट बी जाय बी, यहां पर ये लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए जाय ए प्लस पी नॉट बी जाय बी, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर ये जो है टोटल प्रेशर अगर ज्यादा हो गया उसके कंपोनेंट के प्रेशर, यह शो करेगा धनात्मक विचलन, क्या शो करेगा, ये शो कर दिया आपका धनात्मक विचलन, काफी गर्मी भी है ना, फैन भी बंद करके पढ़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग कम से कम इस एफर्ट को ध्यान में रखिए। और दूसरा आ गया ऋणात्मक
विच ईयर, ठीक है। तो पहले इतने लिख, इतना लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। पहले देखिए, मैं अब डिफरेंस के टाइप से लिख रहा हूँ, दो डिफरेंस, एक डिफरेंस आपके बीच में लिखा दिया गया है, एक राउल्ट के नियम का पालन करेगा, एक राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो उस कंडीशन में पीएस या टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन, प्योर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के एड के बराबर नहीं होगा। तो अब इस कंडीशन में मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ, फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा है जिसमें हम ये कह सकते हैं डेल्टा भी मिक्स या डेल्टा मिक्सिंग भी इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ए ए और बी बी के बीच की जो अन्योन क्रिया होती है वो ए बी के बीच की अन्योन क्रिया के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में बिलियन बनने के बाद भी जो भी मिक्सिंग होगा, वॉल्यूम का मिक्स होने के बाद भी वॉल्यूम में डिफरेंस जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। अब यहां पर आदर्श विलयन की बात करें, अनादर्श विलयन की बात करें, तो अगर आपसे सिर्फ आदर्श विलयन और आदर्श विलयन के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए कहेगा तो आप ये कहना डेल्टा मिक्सिंग भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। हम दोनों कंडीशन हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो डेल्टा मिक्सिंग भी, डेल्टा सेकेंड पॉइंट है इसका, मिक्सिंग भी या डेल्टा मिक्स भी यहां पर नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सर जीरो नहीं होगा तब क्या होगा, तब होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा, धनात्मक विचलन होगा या फिर क्या होगा, ऋणात्मक विचलन। जब धनात्मक विचलन होगा तब क्या होगा और जब ऋणात्मक विचलन होगा तब क्या हो जाएगा। देखो हम शॉर्ट में यहाँ पर धनात्मक को पॉजिटिव विचलन और यहाँ पर निगेटिव कर दिए, ठीक है ना, हर एक में एक केस लिखवाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों इस बात पर। अब डेल्टा मिक्सिंग भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग भी कोई बड़ी बात नहीं, आप डेल्टा बी मिक्स भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हो जाएगा ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो सर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो कौन सा विचलन हो गया, तो वो हो गया आपका धनात्मक विचलन। तो सर यहां पर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा मिक्सिंग भी लेस देन जीरो, यहां पर जीरो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर कम क्यों होगा, ज्यादा क्यों होगा, यहां इसलिए कम होगा क्योंकि यहां पर वेपर अन्योन क्रियाएं ए बी के बीच की क्या है, दुर्बल है, और दुर्बल अन्योन क्रिया वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा तो उस कंडीशन में मिक्स होने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहां पर मिक्स होने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके बीच में ए बी के बीच में प्रबल अन्योन क्रिया होगा। जो ए ए बी बी और ए बी अन्योन क्रिया के बारे में बात कर रहे थे वो आपको दिमाग ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डेल्टा मिक्सिंग एच इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, वो एंथैल्पी चेंज होगा क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे अनादर्श विलयन में भी दो केस, ध्यान दीजिए, डेल्टा मिक्सिंग एच नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जब सर नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो दो केस, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव डेविएशन है और एक नेगेटिव डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा मिक्सिंग भी, यहां पर डेल्टा मिक्सिंग एच ग्रेटर देन जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग एच लेस देन जीरो। बात समझ आ रही है आपको। अब थर्ड पॉइंट आते हैं, हालांकि थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट आते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन हो गया, उसके बाद राउल्ट लॉ का इक्वेशन वगैरह दिखा सकते हैं, उसके बाद आप आदर्श विलयन में वॉल्यूम के लिए हो गया, एक एंथैल्पी के लिए हो गया। अगर बात करेगा एंट्रोपी की, तो ध्यान रखिएगा जो एंट्रोपी होता है, ठीक है, इसको ज्यादातर एंट्रोपी वर्ड यूज करते हैं, इलेवेंथ में आप लोग पढ़े होंगे, जो एंट्रोपी होता है वह उसको किया जाता है डेल्टा मिक्सिंग एस, ये हमेशा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, चाहे सॉल्यूशन कैसा भी हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। तो यहां पर सर एक ही केस लिखते हैं चौथा नंबर, डेल्टा मिक्सिंग एस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि सर दोनों में बराबर है, तो ध्यान रखिएगा, समझने की चीज है, डिफरेंस में आप तीन भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा नंबर, गिव्स मुक्त ऊर्जा गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी की फिर से। तो डेल्टा मिक्सिंग
डेल्टा मिक्सिंग जी, यहां पर यह क्या होगा सर, जीरो से कम होगा तो लेस देन जीरो। तो यहां पर सर सब कंडीशन में पांच नंबर यहां पर लिखे हुए, यहां पर भी, तो डेल्टा मिक्सिंग जी यहां पर ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। अब पॉजिटिव के लिए भी लेस देन जीरो हो जाएगा और नेगेटिव के लिए भी लेस देन जीरो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसके बाद। ठीक है, आप इतना कॉपी कर सकते हैं, पहले कर लीजिए, जल्दी करें। जब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक में डिफरेंसेस से आगे, तब हम इसके एग्जांपल आते हैं कि सर कैसे पहचानेंगे कि कोई बिलियन आदर्श है और कोई बिलियन अनादर्श। तो ये कई बार इसमें कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को ध्यान देंगे, क्योंकि एक दे देगा कि कौन सा डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, कौन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, तो उस परिस्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि कौन आदर्श धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे ए बी, तो ए ए के बीच में होने वाला ए ए प्रकार है, ए ए टाइप, तो ए ए के बीच में ए ए टाइप इंटरेक्शन होगा। ठीक है, फिर से अच्छे समझिए, ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको ए ए अननोन क्रिया कहेंगे। ठीक, अब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या कहेंगे, सॉरी बी और बी के बीच में मान लो होगा तो बी बी टाइप अननोन क्रिया बोलेंगे सर इसको। अब बात करेंगे सर अननोन क्रिया की, तो वहां पर आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि अननोन क्रिया का मतलब ये हुआ कि उसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स या फोर्स का नेचर है ना, बॉन्डिंग की नेचर, ये सब। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा ए और बी अननोन क्रिया, ए बी अननोन क्रिया, क्या आता है ए बी अननोन क्रिया। ए बी अननोन क्रिया का अर्थ यहां पर क्या हो गया कि सर ए और बी के बीच लगने वाला इंटरेक्शन, अब इससे डिपेंड करेगा कि कौन सा बिलियन आदर्श है और कौन सा बिलियन अनादर्श। अगर हम बात करते हैं किसी आदर्श बिलियन के लिए, तो हमेशा ए बी अननोन क्रिया ए ए अननोन क्रिया और बी बी अननोन क्रिया के बराबर होना चाहिए। देखो हर एक बात को लिखाया जा सकता है, आप कुछ चीजों को समझेंगे। ए बी के बीच की अननोन क्रिया ए ए प्रकार अननोन क्रिया और बी बी अननोन क्रिया के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो उसको हम लोग कहेंगे कि सर यहां पर ये आदर्श बिलियन, अगर बराबर नहीं है तो हम ये क्या कहेंगे, आदर्श बिलियन नहीं बनाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, यानी क्या कह सकते हैं कि ए ए इंटरेक्शन बार बार लिखेंगे बराबर बी बी और बराबर क्या हो जाएगा ए बी इंटरेक्शन, ध्यान रखिए, समझने के लिए मैंने लिखा दिया, जब ये बराबर होगा तब ये आदर्श बिलियन अपने आप को प्रदर्शित करेगा। बात समझ रहे हैं इसको, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब एग्जांपल की आप करते हैं बात। ठीक है, यहीं पर देख लो एग्जांपल, यहीं पर हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल आप लोगों के बीच में राउंड लॉ में वोलेटाइल एंड वोलेटाइल की बात करेंगे, तो हम बात करते हैं एक आप ले लीजिए, जैसे हो जाएगा C2H6 और C3H8, ये हो गया इथेन और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। इथेन क्या कहता है, इथेन के बीच में लगने वाला फोर्स और प्रोपेन के बीच में लगने वाला फोर्स, इस दोनों के बीच में लगने वाला बल जो होगा कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये वांडर वाल बल होगा, वांडर वाल बल। अब देखो दोनों के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स उसका नेचर क्या है, सेम है, तो अगर नेचर सेम होगा तो उस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यह जो हो जाएगा वो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल। ठीक है, और देखिए इधर जैसे हम लिख दिए ब्रोमो इथेन
और आई डो ही थे, क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिख दे एग्जाम्पल दूसरा C2H5I और फिर C2H5Br, ठीक है। अब एक आ गया आइडोइथेन, एक आ गया ब्रोमोइन। आइडोइथेन में भी देखो, आइडोइथेन में एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बिन। अगर इसमें हम बात करते हैं तो यह इसकी जो इसके बीच में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा, है ना, यानी कि डायपोल डायपोल दो दुई ध्रुव दुई ध्रुव होगा। तो अगर दुई ध्रुव इंट्रैक्शन होता है ना, तो ऐसे कह सकते हैं इसको, इसके बीच में द्विध्रुव अन्योन क्रिया। ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, इसमें भी क्या हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव। इसमें डेल्टा पॉजिटिव तो बी आर में क्या हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव। तो सर यहाँ पर तो सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव बन रहे हैं, तो जब बात करेंगे हम पॉजिटिव निगेटिव की, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है यह एक ही तरह का नेचर लगभग हो रहा है। तो उस अर्थ में अगर इसको हम लोग कहेंगे, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है या उसका जो सॉल्यूशन होगा, वह कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, आदर्श विलयन होगा, इस बात को ध्यान। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं CH3OH और एक हो गया C2H5OH, एक का नाम मिथेनॉल और एक का नाम इथेनॉल। अब इसमें भी बात करेंगे इथेनॉल में भी, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस इथेनॉल में बात करेंगे इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये हो सकता है कि एक के हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कमजोर हो, दूसरे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी मजबूत हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा एच बॉन्डिंग काम कर रहा है, एच बंद काम कर रहा है, ठीक है। तो सर दोनों का जो नेचर है बॉन्ड का इंट्रैक्शन वो सेम है, तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे क्या शो करेंगे, अपने आप को आदर्श विलयन शो करेंगे। ये तो आदर्श विलयन के एग्जांपल हो गए, ये एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल। या ध्यान रखना कि मोटा मोटी तौर पे आप ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कह दे कि दो गो विलयन लिया, ए और बी लिया, एक विलेय एक विलायक, दोनों को मिलाया विलयन बनाया, तो अगर दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम है तो वो क्या करेगा, वो आदर्श विलयन शो करेगा। अगर सेम नहीं है तो वो अनादर्श विलयन शो करेगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अब दूसरा आता है कि सर अनादर्श विलयन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर कब ज्यादा बनेगा, वेपर जब सॉल्यूशन में कब ज्यादा बनेगा, जब सर ऐसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, दो गो पॉइंट अनादर्श विलयन, एक धनात्मक, एक हो गया आपका धनात्मक विचलन और दूसरा आपका हो गया ऋणात्मक विचलन, दूसरा आपका हो गया ऋणात्मक विचलन। थोड़ा समझना है इस दोनों में, देखो इसी इंट्रैक्शन की बात करेंगे। अब देखो ए और ए है, ए और बी है, ए बी बी, ये सारे के सारे। अब यहां पर भी वही होगा, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा और दोनों मिलकर एक विलयन बनाएगा। तो सर इसमें कहता क्या, याद करिएगा रॉबर्ट लॉ से कि ओवरऑल जो टोटल प्रेशर था वो पी नॉट ए जाय ए प्लस पी नॉट बी, जाय बी से क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, होगा कि नहीं बोलो, ये ज्यादा हो रहा था। इसका मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद उसका वेपर ज्यादा बनेगा,
तो सर अगर इस कंडीशन में वेपर ज्यादा बनेगा तो यानी कि ए बी इंटरेक्शन है ना, ए बी के बीच की जो अन्योन क्रिया है ना, वो क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में कम होना चाहिए, दुर्बल होगा है ना, उसके बीच की ए बी के बीच में दुर्बल होगा तब ना ज्यादा वेपर बनाएगा, ज्यादा वेपर बनाएगा तो दो कंडीशन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। कहता है कि सर ए बी की वेपर ज्यादा बननी चाहिए, ए बी की वेपर ज्यादा बननी चाहिए, रट्टा वाला काम नहीं, बननी चाहिए ए बी पेपर, क्या बननी चाहिए, ज्यादा पेपर बननी चाहिए। और बीबी की बात करोगे, सॉरी, और इसमें बात करोगे ऋणात्मक विचलन में, तो ऋणात्मक विचलन में ये क्या है, कम है, तो पी नॉट ए जाए प्लस पी नॉट बी जाए बी, इस कंडीशन में सर क्या होगा कि ए बी की पेपर क्या बननी चाहिए, कम बननी चाहिए। अब देखो अगर हम बात करेंगे इस वाले में धनात्मक विचलन वाले में तो सर दुर्बल होगा, ए बी के बीच का जो बंध होगा, अगर दो पार्टिकल ए और बीच में है, यहां पर जो बॉन्डिंग होगी है ना, या अन्योन क्रिया की बात करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, दुर्बल अन्योन क्रिया या फिर दुर्बल बंध होना चाहिए जिसके इसके बीच की हम बात करें, और इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, प्रबल बंध होनी चाहिए या प्रबल अन्योन क्रिया होनी, अन्योन क्रिया हम बात को फाइनल नहीं करता, ये हम आपको सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। अन्योन क्रिया का मतलब हुआ उस दोनों के बीच के इंट्रैक्शन, उन दोनों के बीच का जो भी बॉन्डिंग होगी ये सारी की सारी, ठीक है ना, तो वहां पे बंध बनेगा। अगर बंध से बात करते हैं, अगर यही समझ में आ रहा है तो ए बी की बंध कमजोर होगी तब उसका पेपर ज्यादा बनेगा, और यहां पर ए बी की बंध मजबूत होगी इसलिए उसका पेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। एक बार इसका एग्जांपल नहीं कोई करेगी, समझ सकते हैं। जल्दी चलिए हम लोग बात करते हैं और प्रबल अन्योन क्रिया के बारे में बात कर रहे थे, तो ए बी टाइप की जो इंट्रैक्शन होगी, अन्योन क्रिया होगी, वो कमजोर होनी चाहिए यहाँ पर है ना, और यहाँ पर ए बी टाइप की जो अन्योन क्रिया होगी, प्रकार की अन्योन क्रिया होगी, वो उसको प्रबल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो धनात्मक वाला हूं इधर 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 लिख देते, ठीक है, ऋणात्मक को इधर कर देंगे, धनात्मक को इधर कर दे, रुक जाओ इधर धनात्मक विचलन का एग्जाम्पल, धनात्मक विचलन वाले का एग्जाम्पल अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कई तरह से एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CCl4 और CHCl3। अब यहां पर बात करें CCl4 और CHCl3, ये दोनों दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में नॉन पोलर यह जो होगा, कह सकते हैं कि एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, एक होता है ध्रुवीय पार्टिकल्स कण के बीच में और एक होता है अध्रुवीय, ठीक है, तो यहां पर अध्रुवीय प्रकृति का हो और साथ ही साथ इसमें जो बल लगेंगे ये वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे कार्बन और क्लोरीन के बीच में। अब डायग्राम वगैरह से इतना ही बता सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी बहुत बन रही है इसलिए हम इसको कंटेंट को सिर्फ डाल रहे हैं, बाकी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अब CHCl3 की बात करेंगे तो ये यह जो है पोलर नेचर का आ गया, ये ध्रुवीय प्रकृति का हो गया, और जब सर ध्रुवीय प्रवृत्ति का हो गया
तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि सर CHCl3 के बीच में क्या लगेगा, तो द्विध्रुव अन्योन क्रिया हो, तो क्या हो जाएगा, द्विध्रुव अन्योन क्रिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक हो गया वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक में हो गया डायपोल इंट्रैक्शन। दूसरा, आप दोनों को मिक्स करते हैं मान, तो दोनों को जो मिक्स करेंगे तो सर दोनों को मिक्स करने के बाद जो है उस दोनों की जो कलेक्टिव बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वीक होगी। तो वीक होगी तो भेपर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। यह किसका एग्जाम्पल हो गया, धनात्मक मिश्रण का। दूसरा एग्जाम्पल और हम लोग देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जल ले लो H2O और C2H5OH, इसमें हाइड्रोजन बंद होगा और इसमें बहुत ही कमजोर हाइड्रोजन बंद होगा या ऑलमोस्ट जीरो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेस H बंद कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब इसका बॉन्डिंग दोनों को मिलाएंगे तो इस दोनों का जो ए बी इंटरेक्शन होगा, ए बी टाइप अन्योन क्रिया होगी, तो उस प्रकार का जब उसका एग्जाम्पल देंगे तो वहां पर भी क्या होगा, कमजोर बनेगा और कमजोर बनेगा इसका वेपर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल को कंसिडर करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अपने इस अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे। जैसे मान लो CCl4 और C6H6, यह किसका एग्जाम्पल हो गया, यह भी हो गया CCl4 और ध्रुवीय वांडरवाल C6H6 के बीच में बल लगने वाला, वो भी वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा एंड डायपोल इंट्रैक्शन होगा, डायपोल द्विध्रुव अन्योन क्रिया हो गई। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, धनात्मक विचलन। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ऋणात्मक विचलन की। एग्जाम्पल ऋणात्मक विचलन है, ऋणात्मक विचलन सर किसको कहेंगे, ऋणात्मक विचलन सर वो होगा नेगेटिव डेविएशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ए बी के बीच की अन्योन क्रिया क्या होगी, स्ट्रांग होगी, बॉन्ड वहां पर क्या होगा, जल मजबूत होगा और उसका वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। तो अगर जल को किसी भी प्रबल अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वह हमेशा ऋणात्मक विचलन ही प्रदर्शित करेगा। एग्जाम्पल H2O, HNO3, प्रबल अम्ल जल, H2O, HCl जल और ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। बात समझ रहे हैं आप, है ना। उसके बाद जैसे कह देंगे H2O, सॉरी H2O, CH3, CO, CH3। अब एक हाइड्रोजन बंद हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका इंटरेक्शन क्या होगा, मजबूत होगा, तो वह भी क्या बनाएगा, क्या शो करेगा, अन्योन क्रिया शो करेगा। इसे एक और आप यूज कर सकते हैं CHCl3 और C6H6, CHCl3 और C6H6, यह भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन। सबके बीच में लगने वाला जो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा, नेचर होगा, वो सेम होगा, लेकिन बनने के बाद उसके बीच का इंट्रैक्शन, ए बी का इंट्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वेपर उसका क्या बनेगा, कम बनेगा, तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कॉपी करिए, मैं जल्दी आपको इसका इस टॉपिक का मैं ग्राफ बता रहा हूँ, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके ग्राफ की। तो इसके ग्राफ को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसको आप देखते हैं थोड़ा सा और इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। जैसे देखो एक आदर्श विलयन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। राउल्ट का भी तो आदर्श विलयन का ग्राफ और राउल्ट के लॉ का ग्राफ, क्योंकि वो उसको फॉलो करता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका क्या होगा, लगभग सेम होगा। देखो दिखा रहा हूं, जैसे देखो ये लाइन ले लिया,
ठीक है, सब लोग देख रहे हैं, अब उतना स्केल से तो खींच नहीं रहे स्ट्रेट। अब इसमें क्या करेंगे, इधर आपका हो जाएगा द, प्रेशर बढ़ेगा, और इधर क्या बनेगा आपका मोल प्रभाव। मोल प्रभाव समझते हैं, अब यहां पर एक पॉइंट यहां पर मिला और एक पॉइंट यहां पर, दो को पॉइंट, और दोनों पर मोल फ्रैक्शन को रखना है। अब हम यहां पर अगर जाय ए बराबर क्या लिखते हैं वन, तो जाय बी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और यहां पर जाय ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो जाय बी बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। जाय ए प्लस जाय बी बराबर वन, जाय ए प्लस जाय बी बराबर वन, जाय ए प्लस जाय बी बराबर वन, जाय बी प्लस जाय ए बराबर, कर सकते हैं। जिधर एक वन है उधर का प्रेशर जो है हम लोग क्या लिखेंगे पी नॉट ए, क्या लिखेंगे प्योर प्रेशर, क्योंकि यहां पर बी के द्वारा, बी का तो कुछ है ही नहीं, तो जो भी प्रेशर लगाएगा वो प्योर प्रेशर होगा, वो किसके द्वारा होगा ए के द्वारा। अगर हम बी की बात करते हैं तो यहां पे मान लो रख दिए यहां पर बी, तो बी के द्वारा लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका पी नॉट। अब बेटा जरूरी नहीं है कि यह ऐसा ही ज्यादा हो, सकता है बी ऊपर भी होगा, हो सकता है ए ऊपर भी होगा, ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकता है, प्योर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा किसका क्या है। अब देखो ये जो है जायद ए और पी नॉट बी, इसको हमने क्या किया इससे कंसीडर करके मिला दिया, देख पा रहे होंगे आप, फिर इसको क्या किया हमने इसको इससे मिला दिया, अब देख रहे हो। अब दो पॉइंट हमने स्टार्ट किया किससे पीए से, तो उस कंडीशन में इसको कौन सा ग्राफ बनाएंगे, पीए बराबर पी नॉट ए इंटू जाय, इसको कहेंगे क्या पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू जाय, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे मिला, और तो ये क्या हो जाएगा टोटल, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए जाय ए प्लस पी नॉट बी जाय, इस दोनों को जोड़ दो। तो यह जो ग्राफ है यह किसको शो कर रहा है, आदर्श विलयन को, ये बता रहा है कि ये विलयन जो है आदर्श है और ये विलयन जो है वो क्या है अनादर्श। बात समझ रहे हैं आप। अब फिर इसके बाद आता है कि दो चीज सर, एक होता है आदर्श विलयन का धनात्मक विचलन, सर आदर्श विलयन धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित करेगा, तो देखो बेटा ठीक है। अब यहां पर जाय ए बराबर वन, जाय बी बराबर जीरो, जाय ए बराबर जीरो, जाय बी बराबर, ठीक है, यहां पर हम पहले से भी पी नॉट बी, यहां पे हम पी नॉट ए लिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहां से क्या करेंगे मिला दो, ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे पी ए, ये हो गया पी बी, यहां पर पॉजिटिव डेविएशन और अलग होगा, पहले राउल्ट लॉ का ग्राफ बना लेते हैं आदर्श विचलन, अब इससे विचलन होगा, तो जब विचलन होगा इसका ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा पी एस बराबर पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी, और यहां पर पी ए और ये क्या हो जाएगा सॉरी आपका ये हो जाएगा पी बी, ठीक है, ये किसके लिए हो गया धनात्मक विचलन के, पहले इतना कॉपी कर ली बहुत गर्मी लग रही है, एक मिनट। अब आते हैं हम नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ, थोड़ी गर्मी है ठीक है, नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ, तो यहां से अगर तो इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, देख रहे हो,
नेगेटिव डेविएशन होगा तो वेपर जो बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। तो कम बनेगा तो पहले आइडल का बना ली, अब सर कम हो रहा है तो कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा नीचे, ये भी हो जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अब कौन किसका है, ये पी ए इस लाइन पर होगा, ध्यान रखिएगा पी बी ये जो लाइन आया है और ये हो जाएगा जो कि ये लाइन शो करेगा। बस समझ रहे हैं, ये आपका हो गया आदर्श विलयन का धनात्मक विचलन और यहां पर क्या हो जाएगा इसका ऋणात्मक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करें, आप इसको नोट करिए, मैं आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, जल्दी इसको आपको। अब मैं आप लोगों के सामने एक लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का जो मैं कंसीडर करने जा रहा हूं वो है एजियोट्रॉपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण या नियत क्वाथी मिश्रण भी कहते हैं। अब इस टॉपिक के अनुसार कहता है वैसा विलयन जो शुद्ध द्रव की तरह स्थिर ताप को, शुद्ध द्रव की तरह काम करता है स्थिर ताप पर बिना संघटन में परिवर्तन किए, संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी कि वो अपने कंपोनेंट में टूटेगा नहीं, बिना टूटे हुए वह आश्रित हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि दो विलयन ऐसा है, दो द्रव ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको अलग अलग करेंगे बिना तोड़े हुए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग उस मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। अब यह दो प्रकार का होता है, एक न्यूनतम क्वथन एजियोट्रॉप और एक अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप। न्यूनतम क्वथन का मतलब इसका क्वथनांक कम होगा, तो उसका मिश्रण जिसके बीच की अन्योन क्रिया क्या होगी, कमजोर होगी। तो धनात्मक विचलन हम लोग पढ़े थे, सीधे कह सकते हैं कि वैसा मिश्रण जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसको हम लोग न्यूनतम क्वथन एजियोट्रॉप कहते हैं, और वैसा विचलन जो रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप कहते हैं। अब समझिए ये पॉइंट क्या कहता है, धनात्मक विचलन कब होगा, जब ए के बीच का इंट्रैक्शन कमजोर होगा, इंट्रैक्शन कमजोर होगा तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्वथन उसका क्या हो जाएगा, कम होगा। एग्जाम्पल H2O C2H5OH CH3 C2H5OH C6H6 CH3COOH एसिटिक एसिड और बेंजीन हो सकता है। इधर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर को कर दो या क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन के कर दो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि आपके यहाँ पे न्यूनतम क्वथन एजियोट्रॉप और एक अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप लोग इससे संबंधित थ्योरीज को पढ़िए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे अनुसंघी गुणधर्म की, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दें, जो कहीं भी समझने में दिक्कत हो उसको कमेंट भी करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम आपको आते रहे। और ये सारी चीजें मुझे ये नहीं लगता है कि सिर्फ 12 वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन का एग्जाम करते हैं वो भी आदर्श विलयन और आदर्श विलयन ये सब चीजें पूछा जाता है उसमें, तो आप भी देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।